नमस्कार टू एवरी वन होप यू ऑल आर फाइन देयर टूडे आई एम गोना टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ बपिन चौधरी लेप्स ऑफ मेमोरी सो स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड जो इसका बुक में पार्ट था उसमें हमने ये बताया था कि बपिन चौधरी को कोई स्ट्रेंज आदमी मिला था कोई स्ट्रेंज मैन मिला था वो उससे कह रहा था कि आप रांची गए हैं लेकिन बपिन भाभी को याद नहीं आ रहा था कि वो कभी रांची गए हैं तो वो कंफ्यूज़ हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं फोन भी करते हैं फ़ोन करके कंफर्मेशन भी करते हैं जो वहाँ पर उस समय मौजूद थे लेकिन आ, मिस्टर दिनेश को कॉल करते हैं वो मिस्टर दिनेश से उनकी बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि, कि आप वहां थे लेकिन मिस्टर बपिन बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे हो सकता है कि मैं मुझे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं है क्या मैंने अपनी मेमोरी खो दी है सो आगे क्या होता है आफ्टर लंच बपिन बाबू रिलैक्स डेट ही कूडेंट प्रोबरली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग उन्होंने ऐसा रियलाइज करा आफ्टर लंच कि वो अब बिल्कुल इस डेस्क पे या वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो पहले करते थे

केयरफुल और करेक्ट वर्कर थे एंड जब वो जो टायर्ड नहीं होता टाय मतलब कभी थकता नहीं है काम करते हुए तो वो सोच रहे थे कि मैं वो सब चीजें खोदूंगा बट टूडेज हैड इन व्रिल तो उनका जो दिमाग है बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाए हो गया है अनेबल टू थिंक हो गया है कि किसी चीज में वो सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा उनका फ्यूचर बैक होम एट टू थर्टी जब वो वापस से मतलब घर पहुंची टू थर्टी पर तो बापी बापी इन इन बैड मतलब वो बिस्तर पर लेट ट्राई टू गैदर हिज वेट्स तो गैदर. वापिस से अपनी वो ही चीजें अफोर्ड कर रहे थे कि अपने आप को शांत कर रहे थे कि वापिस वो अपनी मेमोरी वापिस मतलब उन्हें मिल जाए ठीक है कुछ ऐसी चीजें हों ही नो दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी हैड मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई इंसान अपनी यादाश्त हो जाए अगर उसकी इंजरी हो जाए हेड में बट ही डिडेंट नो अगल इंसिडेंट ऑफ समथिंग रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट मतलब वो बोल रहे थे कि मैं तो इस मतलब सिर्फ एक इंसिडेंट ही मुझे रिमेंबर नहीं है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट मुझे बाकी सारी चीजें याद है अफेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट डेट ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो रांची टू हैव टू हैव गोन देअर एंड डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉट समथिंग ऑटोली इम्पॉसिबल लाइक वो कह रहे थे कि ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है कि आ, मुझे ये सब याद नहीं आ रहा है और मैं कभी मतलब आई मतलब मैं रांची जाना चाहता था कि मैं इस तरह से ये सारी चीजें हैं ओके okay. एट सेवन थर्टी बपिन बाबू सर्वेंट कैम सेटेंटिन बाबू बपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी बाबू हैड कम फॉर बपिन बाबू जानते थे कि वो चुन्नी कहा किस लिए यहाँ पर आया है चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ चुन्नी बाबू उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे लाइक स्कूल में थे लाइक सॉरी स्कूल में थे वो उनके साथ एंड ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली उनका कुछ रफ टाइमिंग था एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब और वो क्या कर रहे थे लाइक like, जॉब उनके मतलब वो जॉब के लिए ढूंढ रहे थे जो चुन्नी बाबू थे वो जॉब ढूंढ चाहते थे बपिन बाबू नू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम वो जानते थे कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता इन फैक्ट टोल्ड हिम So, उन्होंने उसे कह भी दिया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी लेकिन चुन्नी जो थे वो क्या करते थे कि वो बैड पैनी मीन्स टू जिनका लाइक like, हम वेलकम नहीं करना चाहते नहीं चाहते कि वो लोग आए हमारे पास तो वो फिर भी वो आते थे उनको पता था कि शायद वो उन्हें नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए फिर भी वो है ना आते थे चुन्नी बाबू बाबू सेंट दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी ची नाउ बट इन सेवरल वीक्स मतलब सेवरल वीक्स में मतलब वो नहीं मिलना चाहते थे उन्हें देखना नहीं चाहते बट सून एज ए सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्टक बिपिन बाबू डेट चुन्नी लॉन्ट माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट फिफ्टी एयर ट्रिप एंड देर वस नो हिम बट जैसे ही सर्वेंट ने इस तरह से बताया कि Uh, कि चुन्नी बाबू को फिफ्टी एट का इंसिडेंट के ट्रिप के बारे में कुछ पता है वो तुम्हें मतलब कोई हार्म नहीं होगा उनसे पूछना तो बपिन बाबू हर डाउन द दा स्टेयर वो जल्दी से क्या करें स्टेयर्स की तरफ भागे गए इन टू द लिविंग रूम जहाँ पर वो थे चुन्नी वॉज अबाउट टू टुलि वो छोड़ने ही वाले थे मतलब वो जाने ही वाले थे बट सिंग बिपिन बाबू अपियर ही टर्न राउंड होपली वो वापस से घूम गया होपली होपफुली मतलब वो उसी होप से आया था कि वो कुछ जॉब के बारे में उनके कुछ करेंगे बपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट uh, दश मतलब वो वापिस से एट दट पॉइंट नहीं स्टार्ट करना चाह रहे थे सारी बातें लेसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू सम मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ यू हैव अ गुड मेमोरी तुम्हारी गुड मेमोरी है यू हैव बीन सेविंग मिंग ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम जस्ट थ्रो योर माइंड बैक वापिस से तुम्हारा माइंड बैक कुछ याद करने की कोशिश करो एंड टेल मे डिड आई गो टू रॉच इन फिफ्टी एट क्या मैं फिफ्टी एट में रांची गया था चुन्नी सेट फिफ्टी एट इट मस्ट Have been 58 or was 59. ये हो सकता है फिफ्टी एट में गए फिफ्टी नाइन में आप गए यू आर श्योर डेट आई डिड गो रांची क्या तुम श्योर हो कि मैं रॉंची गया था चुन्नी लुक ऑफ अमेज वॉज नॉट अनमिक्स विथ वॉरी तो वो डू यू नो डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट ऑल ठीक है तो वो इस तरह से परेशान हो गया लाइक like, uh, कि तुम्हें कोई डाउट है वो बोल रहे थे कि तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहां पर गए थे क्या नहीं डिड यू आई गो डू यू रिमेम्बर क्लियर क्या तुम्हें पता है कि मैं वहां पर गया था कि नहीं गया था तो चुन्नी ने तो बिना परेशान होते हुए ये कहा कि ये सरप्राइज होते के कहा कि हाँ आप कि आ, बिल्कुल कि आप गए थे लेकिन आपको याद मतलब वो बोल रहा था मुझे याद नहीं है मतलब कि तुम्हें याद है अच्छे से कि तुम गए मतलब मैं गया था कि नहीं चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा एंड फिक्स बपिन बा लॉन्ग एंड हार्ड स्टेयर एंड सैड बपिनव यू टेकन टू तो ड्रग समिंग मतलब वो बिल्कुल वंडर कर रहा था उनके ऊपर कि क्या बात है वो सोफे पर बैठा है बापे बपू के पास ही लॉ और बहुत ही अजीब तरीके से उन्हें लाइक देख रहा था और बोला कि तुमने क्या ड्रग ली है एज फार एज यू नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स कंसर्ट आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डू यू बट एटलीस्ट यू हैव गुड मेमोरी मतलब हमारी पुरानी दोस्ती है ये तो तुम्हें पता ही है बट तुम्हारी तो बहुत अच्छी मेमोरी थी तुम कैसे मतलब ये अच्छी तुम कैसे भूल सकते हो यू कॉन्ट रियली मीन डैट यू हैव फॉर गटेन अबाउट रांची ट्रिप तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि तुम रांची के ट्रिप के बारे में कैसे भूल गए हो बपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडिसेज स्टेयर एंड डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉस आंस चुन्नी लाल तो बपिन बाबू थोड़ा सा उसकी तरफ टर्न थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और वो बपिन लाइक चुन्नी लाल उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी लास्ट जॉब के बारे में पता है सो so, बपिन बाबू तो बिल्कुल उसपे लाइक like, डिसबिलीव करते हैं कि आश्चर्य करते हैं कि बिल्कुल कि वो सच नहीं कह रहा है बट वो कहता है कि क्या आपको मेरी लास्ट जॉब के बारे में पता है ऑफ कोर्स यू वर्क इन ट्रेवल एजेंसी क्या ट्रेवल मतलब ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते थे तुम यू रिमेंबर डैट यू डोंट रिमेंबर डेट इट वॉज आई हू फिक्स टू योर मतलब योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची मैंने ही तुम्हारी रेलवे बुकिंग रांची के लिए फिक्स करी थी आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ मैं स्टेशन भी गया था तुम्हें छोड़ने के लिए एंड वन ऑफ द फैन इन द कपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग मतलब फैन जो था एक वर्क भी नहीं कर रहा था उस कपार्टमेंट में आई गॉट एंड इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स मैंने मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को भी मतलब बुलाया था उसे ठीक करने के लिए हैव यू फॉरगटन एवरीथिंग क्या तुम सब भूल गए व्हाट एवर इज द मैटर विथ यू यू डोंट लुक टू वेल तुम सही नहीं दिख रहे हो जो भी मैटर हो तुम सही नहीं दिख रहे हो यू नो बपिन बाबूटेड एंड शॉक है मतलब uh, मतलब उन्होंने लाइक like, uh, इस तरह से करा कि हाँ मैं सही नहीं हूँ बहुत परेशान थे वर्किंग टू हार्ड हीट मस्ट बी अ रीजन मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट तो उसने कंसल्ट करा कि तुम एक स्पेशलिस्ट को दिखा दो कि तुम सही नहीं दिख रहे हो तुम Uh, मैं मैं तो बहुत हार्ड वर्क करता था उसने कहा कि कुछ रीजन है इसके पीछे तुम्हें कंसल्ट करना चाहिए स्पेशलिस्ट को दिखाना डाउट लेस इट वॉज बंडीशन विच लीव अबाउट द मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अराव चंद्रा चंद्रा वॉज अंग फिजिशियन पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज ही बिकेम अ थॉटफुल वैन ही हर्ड अबाउट द बपिन बाबू सिम्टम्स लुक डॉक्टर चंद्रा चंदा सैड बपिन बाबू डिस्पेक्टली एंड यू मस्ट केयर ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क तो क्या हुआ परेश चंद्रा जो थे यंग फिजिशियन तो बपिन बाबू की जो कंडीशन थी वो चन, आ, ऐसी देखते हुए चुन्नीलाल तो क्या हुआ वो बिना अपने जॉब के बारे में बताते हुए वहां से चले गया और परेश चंद्रा जो कि यंग फिजिशियंस थे ब्राइट uh, आईज और शार्प नोज थी जिनकी वो क्या थे थॉटफुल ही बिकम थॉटफुल उन्होंने सुना कि बपन बाबू को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं लोग uh, डॉक्टर चंदा से उन्होंने कहा बपिन बाबू ने कि यू मस्ट केयर ऑफ दिस हॉरिबल तुम्हें तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इस हॉरिबल इलनेस का आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये सब चीजें मुझे किस तरह से मेरे वर्क को खराब कर रही है मेरे किस वर्क को अफेक्ट कर रही है डॉक्टर चंदा शौक हिज हैंड उसने अपना सर हिलाया एंड यू नो वॉट मिस्टर चौधरी ही सैड आई हैव नेवर हैड डील टू सच केस एज yours. मैंने ऐसा कोई केस नहीं लिया जिस तरीके का तुम्हारा है फ्रेंकली दिस इज़ द क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये तो बिल्कुल मेरी फील्ड ऑफ़ एक्सपीरियंस से बाहर है मतलब जिस तरीके से मैंने जो नॉलेज गेन करी है उससे बिल्कुल बाहर है बट आई हैव वन सजेशन मेरा एक सजेशन है आई डोंट नो इफ़ यू इट विल वर्क मतलब मैं नहीं जानता ये वर्क करेगा कि नहीं बट इट्स वर्थ इफ ट्राई करिए आई इट कैन डू नो हार्म ये तुम्हारे लिए हार्मुल नहीं है तुम्हारे लिए बप इन बाबू लर्न फॉर डे एक्सली मतलब उन्होंने उस चीज़ को लाइक स्वीकार कर लिया ठीक है एज़ फार एज़ आई कैन मेक आउट डॉक्टर चंद्र एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन यू मस्ट हैव बिन टू रांची मतलब उन्होंने ये ओपिनियन दिया कि तुम्हें रांची वापिस जाना चाहिए एंड बट ड्यू टू समन नोन रीजन द एंटायर एपिसोड आउट यूर माइंड मतलब कुछ रीजन के कारण तुम्हारे जो ये इंटायर एपिसोड है एंटायर जो मेमोरी है वो तुम्हारी लॉस हो गई है वॉट आई सजेस्ट इज डेट यू गो टू रांची वन सेकेंड तुम्हें वापिस से एक बार एक रांची जाना चाहिए द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू योर ट्रिप मतलब जब तुम उधर जाओगे और उस चीज को देखोगे तो तुम्हें वापिस से वो चीज़ें याद हो जाएगी दिस इज नॉट इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है मोर देन आई कॉन्ट डू एट द मोमेंट आई एम प्रिस्क्राइबिंग आर नर्व टोनी ट्रांसक्यूरिंग तो so, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक तरह की मेडिसिन लाइक एक लाइक एनर्जी गिने टेट या मेडिसिन या कुछ इस तरह का चीज दे देता हूं मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ कि तुम वो पी लो लाइक ले लो एंड स्लिप इज एस एस एसेंशियल मतलब सोना बहुत एसेंशियल है एंड द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंसड तो लाइक उन्होंने बोला कि मेडिसन लाइक तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर दे ठीक है और तुम्हारी जो ये डिफिकल्टी है जो सिम्टम्स तुम्हारे दिख रहे हैं तो वो चीज स्लिप से थोड़ी दूर हो जाएगी कि तुम स्लिप कर लो उसके लिए ठीक है बेपेंड माउन द फेल्ट सम हाउट बेटर नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें बहुत अच्छा लगा नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे उठे आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रेंग अप हिज ऑफिस एंड गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोकट क्लास फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर सीन मे सो so, उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो ऑफिस से निकले तो उन्होंने लाइक like, कुछ इंस्ट्रक्शंस uh, दी और ना उन्होंने बहुत मुश्किल से उन्हें फर्स्ट क्लास की टिकट मिली रांची के लिए उसी सेम इवनिंग को सो so, इसका ये फोर्थ है जो पार्ट है एंड गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पहुंची रांची की तरफ तो उन्हें ऐसे ही लगा वहां पहुंच गए बाहर निकले स्टेशन से उन्होंने टैक्सी ली और वो टाउन की तरफ गए स्ट्रीट जो बिल्डिंग थी होटल थे जो बाजार थे एंड जो मोराबी हिल्स थी विथ नन ऑफ हैड ही क्वीटेंस मतलब ये सब चीजें उन्हें कुछ याद नहीं आ रही थी इस तरह से बुढ़ा ट्रिप ऑफ हिंद्रो फॉल्स हेल्प मतलब हो सकता है हिंद्रो फॉल्स जब मैं ट्रिप जाऊं तो वो चीज हेल्प कर देव सो दैट बट एट द सेम टाइम हिट डिडेंट विश टू लिव विदीलिंग डैट ही है इस तरह की फीलिंग नहीं करना चाहते थे कि मैंने ट्राई नहीं करा या ये सब चीजें याद करने का सो ही अरेन्ज फॉर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिक डिस्कवर्ड बन बाउद अनकॉन्शियसाइड तो क्या हुआ फाइव ओ क्लॉक जब सेम आफ्टरनून को हंद्रू में क्या हुआ गुजराती जो जेंटलमैन थे ग्रुप था उनका जो कि पिकनर्स मतलब लाइक पिकनिक के लिए जो आए थे उन्होंने क्या देखा कि वहाँ घूमने की, की बपिन बाबू है ना अनकॉन्शियस बिल्कुल बेहोश हालत में वहाँ पर आ, मतलब एक चट्टान है या एक पत्थर पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा है स्टोन का तो वहाँ पर वो उसकी अनकॉन्शियस वहाँ पर लेटे हुए हैं एंड वैन ही कैम राउंड एंड द फर्स्ट थिंग बपिन बाबू सेट वॉज आई एम फिनिश्ड आई हैव देर इज नो होप लेफ्ट मतलब जब वो में आए तो उनको ये रियलाइज हुआ बपिन बाबू को कि मैं बिल्कुल फिनिश हो गया हूँ और मेरे में कोई भी होप नहीं बची है कोई भी आशा नहीं रखी नेक्स्ट बाबू वॉज बैक टू कैलकटा कैलकटा की के तरह वो बैक मतलब निकले एंड ही रियलाइज डेट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम कोई भी होप नहीं बची सुन ही वुड लूज एवरी थिंग जल्दी ही वो सब कुछ खो देंगे हिज वर्क विल टू वर्क हिज कॉन्फिडेंस एबिलिटी हिज बैलेंस ऑफ माइंड ये सारी चीज अपना जो जो उनकी एबिलिटी थी जो उनकी खूबियाँ थी और उनकी जो कॉन्फिडेंस था ये सारी चीज़ें लेवल वो खो देंगे एंड वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द इन द एस एल एम एट मतलब वो साइलम में मतलब जो पागल खाना है वो हो सकता है कि वो उसमें चले जाए एंड बेपरी वे कुड नॉट थिंक एनी वो वो आज नहीं सोच सकते थे बैक होम ही रेंग मिस्टर चंद्र एंड आज हिम टू कम ओवर उन्होंने बोला कि मिस्टर चंद्र जो थे उनको चंदा थे उनको बुलाया आ, मतलब रेंग करा और उनसे आस करा ठीक है आने के लिए आफ्टर अ शार्ट जो शार्ट के बाद वो बैड के ऊपर गए विद आइस पैक क्रैम ऑन हिस्पैन मतलब क्लेम्स मतलब लाइक उन्होंने हाइट के ऊपर अपना क्या करा आ, वो आइस बैग को रखा ठीक है एंड जस्ट सर्वेंट अ लेटर विद लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स चूंकि लेटर बॉक्स में कोई लेटर छोड़ गया था तो वो सर्वेंट लेकर आता है उनके पास अ ग्रीनिश एम विथ हिज नेम इन द रेड इट तो ग्रीनिश एलव था उस पर रेड कलर की इंक में लिखा हुआ था अबाउ द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इन द स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर ही टूर ओपन द एनवल टेक आउट द लेटर एंड दिस इज वॉट ही रीड तो अबाउ द नेम लाइक नेम के ऊपर द अर्जेंट था उस पर लिखा हुआ था अर्जेंट है कॉन्फिडेंशियल है तो अपनी कंडीशन वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो करे लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा उस लेटर को बाहर uh, निकाला और इस तरह से उन्होंने उस एनवल्प को लाइक फाड़ा और उसमें से लेटर निकाला ठीक है देन उन्होंने रीडिंग स्टार्ट करी उसकी डियर बपिन आई हैव नो आइडिया डेट इफ्लुएंस वुड प्रिंक अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू एंड डेट इट हैज डन मतलब मैं को कोई भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से तुम्हारे में जिंदगी में जो चेंज आ गया है वो किस तरह से है या क्या क्या चीजें तुम्हारे साथ हो गई है उससे And was it um, was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? मतलब ये क्या तुम्हारे लिए ये बहुत difficult था तुम्हारे old friend को like उसके luck पे छोड़ देने के लिए ठीक है आई हैव नो मनी मेरे पास कोई पैसा नहीं था कोई रिसोर्सेज नहीं था माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन मेरे पास सिर्फ इतना था कि मेरे पास इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर तो ये एक पार्ट है जिसमें मैंने तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी जो फीलिंग्स है अनफीवियर मैंने तुम्हारे साथ जो अनफिलिंग बिहेवियर कर रहा है ठीक है जो जो कि सही नहीं है ठीक है वेल आई यू विल बी एबल ऑल राइट अगेन नाउ तुम वापस से सब चीज़ ठीक हो जाएगी तुम्हारे अ नॉवल आई है पब्लिशर मतलब मैंने एक नॉवेल लिखी है ठीक है वो एक पब्लिशर लाइक कंसिडर लाइक like, कंसिडर कर लिया है उसने इफ ही लाइक्स इट इनफ अगर वो उसे पसंद कर लेगा इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हूं मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में लाइक like, ये सब चीजें हो जाएंगी वैन मिस्टर चंदा कैम बपिन बबू सेट आई एम फाइन इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट प्राची मतलब जब जब मिस्टर चंदा आए तो बपिन बाबू ने क्या कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं आई विल कम बैक सुन मैं तो वापस से आ गया हूं जब मैं जैसे ट्रेन से उतरा यूनिक केस मिस्टर चंदा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इट इन द मेडिकल जर्नी द रीजन आई वाई आई सेंड फॉर यू सेट बपिन बाबू इज डैट आई हैव पेन इन है फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची मतलब रांची में मैं गिर गया था मेरे हिप पे लग गई थी उसके कारण मेरे को दर्द हो गया है तो इफ़ यू कोड प्रिस्क्राइब्स पेन किलर क्या मुझे आप पेन किलर दे सकते हो ठीक है मतलब आपने जो मेरे को भेजा था रीजन के लिए वो चीज कम्प्लीट हो गई है एंड जो भी मैं जर्नी थी हमारी जो ठीक है तो बेसिकली हुआ क्या जो उसके फ्रेंड थे चुन्नीलाल जो थे उन्होंने उससे शायद बदला लेने के लिए ये सब चीज़ें करी थी सारे कैरेक्टर्स जो कहानी में थे उनको सिर्फ ये चीज में ये सारी झूठ पे आधारित थी कि सब जनों से झूठ बुलवाया गया था कि उनको मिस्टर बपिन को ऐसा लगे कि उन्होंने अपनी मेमोरी लॉस कर ली है उन्हें कोई इंसिडेंट याद नहीं है ये सब चीज़ें झूठ थी तो ऐसा उन्होंने ये करा कि वो जब भी चुने उनके पास आते थे तो वो उनकी कभी भी हेल्प नहीं करते थे ठीक है तो इस चीज को उन, उन, उनकी वो चीज कि उनको रियलाइज करना कराने के लिए कि उनको अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए थी और ये गिल्ट कराने के लिए उन्होंने ऐसी चीजें करी ओके okay, तो ये आपका चैप्टर था ओके स्टूडेंट्स दिस इज योर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर